प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आज के वीडियोस में कि लिमिट स्टेट मेथड एंड बीम से रिलेटेड, जो कि RCC का पार्ट है। तो यहां पे कंप्लीट डिस्कशन हम लोग जो है यहां पे करने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सिविल बूस्टर टॉपिक मतलब बुक से जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगर आप सिविल बूस्टर बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इस बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और सवाल रहता है बुक से रिलेटेड तो आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लिमिट स्टेट मेथड एंड बीम टॉपिक को। जो आपका एक्सेप्टेबल लिमिट होता है फॉर सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एलिमेंट बिफोर अकरिंग फेल्यूअर, उसको जो है लिमिट स्टेट कहा जाता है, है ना। जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है फॉर सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी के लिए, जो रिक्वायर्ड होता है स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल एलिमेंट का बिफोर अकरिंग फेल्यूअर, उसको जो है लिमिट स्टेट कहा जाता है। ये दो तरीके का होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में आता है डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, लीकेज, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा। और लिमिट ऑफ कोलैप्स में आपका आता है फ्लेक्चुरल कंप्रेशन, सीयर टॉर्सन, ओवर टर्निंग, स्लाइडिंग, बकलिंग, फैटिग्यू, ये सभी जो है आपके आते हैं। इन लिमिट स्टेट अप्रोच जो स्पेसिंग होता है मेन रेनफोर्समेंट, वो प्राइमरली कंट्रोल्स क्रैक्स किंग विड्थ विद इन परमिसिबल लिमिट अंडर नॉर्मल एक्सपोजर कंडीशन। नॉर्मल एक्सपोजर कंडीशन में जो स्ट्रक्चर्स होता है विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इट हैज रीच्ड ओनली टिल इट्स लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, बट आफ्टर रीचिंग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, जैसे ही लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स प्राप्त कर लेगा तो जो सेप है वो दोबारा रीगेन जो है नहीं कर सकता है, है ना। दोबारा सेप रीगेन नहीं कर सकता है, लेकिन अगर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी तक जाता है तो वो उसको क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। जो ड्यूरेबिलिटी होता है मेंबर का वो इंश्योर्ड किया जाता है बाय कवरिंग रिक्वायरमेंट्स, है ना। कवरिंग कवर जो होता है उसको रिक्वायरमेंट्स, ग्रेड ऑफ मटेरियल्स, है ना, ग्रेड ऑफ मटेरियल्स, इन सभी से क्या होता है कि जो ड्यूरेबिलिटी होता है मेंबर का वो इंश्योर्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात किया जाए तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, टू अकाउंट द अनसर्टेनिटीज रिलायबिलिटीज बेस्ड एनालिसिस वाज परफॉर्म्ड एंड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर इस्टेब्लिश्ड फॉर मटेरियल एंड लोड। मटेरियल एंड लोड के लिए जो है इस्टेब्लिश किया जाता है, उसको परफॉर्म करने के लिए पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया मटेरियल, ये हो गया लोड। तो यहाँ पे FCK इज इक्वल टू होता है आपका FM माइनस 1.65 डेल, और FCK इज इक्वल टू FM प्लस 1.65 डेल। ये आपका जो है यहाँ पे लोड के लिए आपका होता है। जो FM माइनस 1.65 डेल एंड FM प्लस 1.65 डेल है, ये लिमिट्स है विद विच प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइंग रिजल्ट्स इज मैक्सिमम, है ना। जो लाइंग रिजल्ट्स है वो मैक्सिमम होता है, जो कि कॉन्फिडेंस लिमिट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस लिमिट जो है आपका कहलाता है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन मटेरियल प्रॉपर्टी FD इज इक्वल टू FCK बाई गामा MS। कंक्रीट के लिए FD इज इक्वल टू जो पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर है वो होता है 0.67 FCK बाई 1.5 यानी 0.45 FCK, और स्टील के लिए FD या है ना FD यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर्स है तो FD इज इक्वल टू FD बाई 1.15 यानी 0.87 FD जो है आपका आ जाएगा स्टील के लिए। जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अंडर
वेरियस लोड कॉम्बिनेशन एफ डी इज इक्वल टू कैपिटल एफ इंटू गामा एफ। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड कोलैप्स के कंडीशन में 1.5, सर्विसबिलिटी में 1। डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन में कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे एक केस आता है आपका नॉर्मल यूजेज के लिए या नॉर्मल केस में, इस केस में तो आपका जो है डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड हो जाता है 1.5 कोलैप्स के लिए और सर्विसबिलिटी के लिए 1। और फॉर चेकिंग स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग एंड स्ट्रेस रिवर्सल डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड तो कोलैप्स के लिए आपका होता है 0.9 और आपका जो है सर्विसबिलिटी के लिए होता है 1। अगला कॉम्बिनेशन है आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। तो इसमें अगर हम लोग लेकर चलें कोलैप्स के लिए तो 1.2 और सर्विसबिलिटी के लिए 1। डेड लोड के लिए कोलैप्स के लिए 1.2 और सर्विसबिलिटी के लिए 1.8। विंड लोड या अर्थक्वेक लोड का कोलैप्स के केस में आपका 1.2 है ना 1.2 एंड सर्विसबिलिटी में आपका 0.8। डेड लोड जो है ये एग्जांपल्स होता है आपका ग्रेविटी लोड का, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, जो कि रिलेटिवली कांस्टेंट होता है ओवर टाइम, है ना। ओवर टाइम ये क्या होता है, रिलेटिवली कांस्टेंट आपका जो है होता है। एग्जांपल ऑफ डेड लोड आर वेट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सच एज बीम कॉलम स्लैब एक्सेट्रा एज वेल एज नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सच एज फ्लोर कवरिंग फॉल सीलिंग, ये सभी जो है डेड लोड का एग्जांपल है। डेड लोड इज नॉट नोन बिफोर द स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन, अगर डेड लोड जो है हमें नहीं पता कि कितना होगा जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस समय, तो हम लोग जो है डाटा एज्यूम करते हैं किसके अनुसार, IS 875 पार्ट 1 के अनुसार। लाइव लोड को जो है इम्पोज लोड भी कहते हैं, ये वैसा लोड होता है जो कि चेंज इन पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल बात किया जाए लाइव लोड का, फर्नीचर इक्विपमेंट ऑक्यूपेंट ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसको जो है लाइव लोड कहते हैं। जो लाइव लोड होता है वो इम्पोज किया जाता है एज UDL, वो दिया गया आपका IS 875 पार्ट 2 में। दीज आर टेम्पररी लोड्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यू टू यूज ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर के यूज के कारण से जो टेम्पररी लोड्स होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर, पहला पॉइंट है कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, है ना, जो प्लेन सेक्शन होता है वो बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, है ना, मतलब जैसा प्लेन सेक्शन में था बेंडिंग बिफोर बेंडिंग, वैसा ही रिमेन्स होता है प्लेन बिफोर आफ्टर बेंडिंग भी। स्ट्रेन कंपैक्टिबिलिटी, जो रिलेशंस होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट और स्ट्रेन इन कंक्रीट मे बी एज्यूम टू बी रिक्टेंगुलर, रिक्टेंगुलर एज्यूम किया जाता है, पैराबोलिक ट्रेपेजॉइडल और एनी अदर शेप विच रिजल्ट अ प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इन सब्सटेंशियल एग्रीमेंट, जो सब्सटेंशियल एग्रीमेंट में जो प्रिडिक्शन किया जाता है उसके अनुसार विद द रिजल्ट ऑफ टेस्ट, है ना, टेस्ट के रिजल्ट का। ओके, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग, जो रिगार्डलेस ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का उसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रॉस सेक्शंस है, ये जो है आपका एरिया ऑफ स्टील सेक्शन है, ये आपका डेप्थ है स्टील एरिया ऑफ स्टील सेक्शन तक टॉप से, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है XU, है ना। यहाँ पे आपका जो है पहले रिक्टेंगुलर होता है उसके बाद पैराबोला बनता है,
तो यहाँ पे रिक्टेंगुलर होता है 3x7 XU तक, और उससे नीचे 4x7 XU तक जो है आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस डायग्राम हमारा होता है। यहाँ पे जो रिक्टेंगुलर पार्ट में जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है वो आपका होता है 0.1 से 0.193 FCK XAB, और जो आपका यहाँ पे पैराबोलिक सेक्शन में होता है वो हमारा होता है 0.171 FCK XUB, ठीक। और यहाँ पे आपका अगर पैराबोला हम लोग पूरा सेक्शन लेकर चलते हैं तो यहाँ पे एक जगह पॉइंट पे लगेगा जो कि 0.36 FCK BXU आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.87 FB, है ना। यहाँ पे ये जो डेप्थ है ये हो जाएगा D-0.42 XU हो जाएगा, और ये ऊपर वाला हो जाएगा 0.42 XU, ओके। और टॉप में जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.45 FCK, और ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन जो है यहाँ पे आपका 0.0035, और नीचे जो है आपका कितना हो जाएगा 0.002 आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा इन टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन फेलुअर के सेल नोट भी लेस देन, और कम नहीं होना चाहिए किससे, तो EST इज इक्वल टू FCK by 1.15 ES + 0.002, यानी 0.87 FB by ES + 0.002, इससे जो है कम नहीं होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इससे जो है आपका कम नहीं होना चाहिए, यानी एकदम बॉटम में अगर हम लोग बात करें तो एकदम बॉटम में यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 0.87 FB / ES + 0.002 आपका हो जाएगा, जो कि एज्यूम्स रिस्ट्रिक्ट करता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। फॉर डिज़ाइन पर्पस जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है फॉर स्टील YS इज इक्वल टू 1.15 एंड स्ट्रेस इन स्टील इज डिराइव फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका होता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपका AF 415 के लिए बात किया जाए तो XU लिमिटिंग बाय D आपका हो जाएगा 0.48, AF 250 आ जाएगा XU लिमिटिंग बाय D इज इक्वल टू आपका 0.53, एंड AF 500 का आ जाएगा XU लिमिटिंग बाय D का 0.46, RU का वैल्यू हो जाएगा 0.148 FCK, AF 250 415 के लिए 138.138 FCK, एंड AF 500 0.1333 FCK हो जाएगा, और PT लिमिट जो है आपका आ जाएगा AF 250 के लिए 0.088 FCK, आपका AF 415 के लिए 0.047 FCK, एंड AF 500 के लिए 0.038 FCK आपका हो जाएगा। XU by D लिमिटिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0035 / 0.055 + 0.87 FCK / E। जो फेलुअर होता है ऑलवेज अकर होता है ड्यू टू क्रशिंग के कारण से होता है इफ कंसंट्रेशन ऑन कंप्रेशन फेस इन बोथ द केसेस। बीम जो है वो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, ये आपका जो है बीम है। बीम जो है रजिस्ट करता है बेंडिंग मोमेंट को और सीयर फोर्स को। अब बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम जो है क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है ऑफ सफिशियंट लेंथ जो कि कंपेयर्ड किया जाता है टू लैटरल डायमेंशन के साथ। बीम जो है कंक्रीट का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, इवन कंपोजिट बीम भी आपका होता है। हैविंग एनी टाइप ऑफ सेक्शन सच एज एंगल, चैनल, आई सेक्शन, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इन सभी शेप में आपका हो सकता है सेक्शन। जो बीम होता है वो डीप बीम कहा जाता है अगर जो L/D
का जो रेशियो है वो लेस देन 2 है तो सिंपली सपोर्टेड फोर सिंपली सपोर्टेड बीम, एंड एल बाई डी लेस देन 2.5 फोर कंटिन्यूस बीम तो बीम इज सेड टू बी डीप, डीप कहा जाएगा। स्पैंड्रेल बीम, स्पैंड्रेल बीम जो है इन केस ऑफ हाई राइजिंग बिल्डिंग, जो हाई राइजिंग बिल्डिंग होता है उस केस में जो मिशनरी वॉल्स होता है आर यूजुअली नॉट एबल टू विद स्टैंड देयर सेल्फ वेट, देयर सेल्फ वेट के एंड स्लैब वेट। इन सच केस, इस तरीके का केस में जो बीम प्रोवाइड किया जाता है एक्सटीरियर वॉल एट ईच फ्लोर लेवल टू सपोर्ट वॉल लोड, वॉल लोड को सपोर्ट करने के लिए, तो इस तरीके का जो बीम होता है उसको स्पैंड्रेल बीम कहा जाता है। ये जो बीम होता है ये आउटसाइड ऑफ वॉल होता है अप टू फ्लोर लेवल एवव इट, इसको जो है स्पैंड्रेल बीम जो है आपका कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो है स्लैब है ना, और ये फ्लोर लेवल ऑफ सेकेंड फ्लोर है, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा स्पैंड्रेल बीम हो जाएगा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि स्पैंड्रेल बीम आपका नहीं होता है, इधर साइड वाला स्पैंड्रेल बीम होता है, ये नेसेसरी नहीं होता है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट अंडर द बीम ऑलवेज बी वॉल, है ना, अंडर द व्हील ऑलवेज बी वॉल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। देयर कैन बी कॉलम और विंडो बट स्पैंड्रेल बीम विल प्रोवाइड ओनली एट एक्सटीरियर वॉल, लेकिन जो स्पैंड्रेल बीम है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर वॉल में ही प्रोवाइड किया जाता है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए अगर हम लोग सबसे पहले बात किया जाए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की, यानी एमयू लिमिटिंग कैलकुलेट करने का, वेन बेंड बीम क्रॉस सेक्शन इज गिवेन, तो 0.36 FCK BXU इज इक्वल टू 0.87 FCK AST, तो XU इज इक्वल टू आ जाएगा 0.87 F/AST / 0.36 FCK इनटू B। तो टाइप अगर बात किया जाए तो XU लिमिटिंग के बराबर है तो बैलेंस्ड, XU लेस देन XU लिमिटिंग है तो अंडर एनफोर्स्ड, और XU ग्रेटर देन XU लिमिट है तो ओवर रेनफोर्स्ड। अगर XU है ना, अगर XU जो है वो लेस देन XU लिमिटिंग हो जाए तो स्टील इन टेंसाइल जोन अटेन मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेन को स्ट्रेन कर मतलब गेन कर लेगा स्ट्रेस को अर्ली, विच मीन्स टेंशन स्टील एल्ड अप टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड सेक्शन विल अंडर रेनफोर्स्ड, और उस कंडीशन में जो सेक्शन होगा अंडर रेनफोर्स होगा, विच रिजल्ट इन टेंशन फेलअर यानी डक्टाइल फेलअर होगा अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लेक्चुरल मेंबर आर डीप एंड अंडर गो लार्ज डिफ्लेक्शन डैट बैलेंस्ड एंड ओवर रेनफोर्स्ड मेंबर के कंपेरिजन में। जो XU है अगर बराबर हो जाए XU लिमिटिंग के, कंक्रीट एंड स्टील अटेंस मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस अटेंड करेगा सिमल्टेनियसली आपका टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी, सच टाइप ऑफ फेल्यूअर सेक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड एंड बैलेंस्ड सेक्शन फ्लेक्चुरल मेंबर आर स्टीफर देन अंडर रेनफोर्स्ड बीम मेंबर। अगर XU जो है बड़ा हो जाए XU लिमिटिंग के तो कंक्रीट जो है पहले स्ट्रेस गेन कर लेगा अर्ली, विच मीन्स डैट टेंशन स्टील डज नॉट एल्ड अप टू अल्टीमेट फेल्यूअर, अल्टीमेट फेल्यूअर तक टेंशन तो नहीं पहुंच पाता है, एंड सेक्शन विल ओवर रेनफोर्स, और सेक्शन जो है ओवर रेनफोर्स होगा इसका मतलब कि कंप्रेशन फेल्यूअर जो है होगा या फिर ब्रिटल फेल्यूअर जो है आपको देखने को मिलेगा। फेल्यूअर ऑलवेज अकर ड्यू टू क्रैशिंग ऑफ कंक्रीट ऑन कंप्रेशन फेस। बैलेंस सेक्शन में MU इज इक्वल टू MU लिमिटिंग है तो MU लिमिटिंग इज इक्वल टू हो जाएगा RU BD² MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 F/AST इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में टेंसाइल फेल्यूअर के केस में MU इज इक्वल टू हो जाएगा कंप्रेशन में आपका 0.36 FCK BXU इंटू D माइनस 0.42 XU एंड MU इज इक्वल टू हो जाएगा 0.87 F/AST इंटू D माइनस 0.42 XU। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में आपका कंप्रेशन फेल्यूअर में XU इज लिमिटेड टू एच
एक्सयू लिमिट है ना, एक्सयू का वैल्यू जो है एक्सयू लिमिट के इक्वल लिमिट कर देंगे, और एमयू को जो है हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एज ए बैलेंस सेक्शन के तौर पे। जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी तो उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करने के लिए व्हेन कंक्रीट क्रॉस सेक्शन एंड अप्लाइड मोमेंट इज नोन, तो एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस टी इंटू डी माइनस ए एस टी एफ बाई एफ सी के इंटू बी है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट करके 0.42 इंटू 0.87 बाई 0.36 इस तरीके से आप यहाँ पे लेकर चल सकते हो, ठीक है। डाटा आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके लेकर चल सकते हो। तीसरा पॉइंट है आपका टू कैलकुलेट एक्स सेक्शन ऑफ गिवन बेंडिंग मोमेंट एम यू, एम यू इज इक्वल टू आर यू बी डी स्क्वायर। अगर डी जो है 2b के बराबर है तो गेट बी देन डी, तो डी इज इक्वल कैपिटल डी इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल डी प्लस 50। एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई एस टी इंटू डी माइनस 0.42 इंटू 0.87 एफ बाई एस टी बाई 0.36 एफ सी के बी। यहाँ से हम लोग ए एस टी निकाल लेंगे। अप्लाइंग रेनफोर्स चेक ए एस टी मिनिमम बाई बी डी ग्रेटर दैन 0.85 एफ बाई ए एस टी मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.04 बी डी। ये डायरेक्टली जो है, ये जो डाटा है ये डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। डायरेक्टली आप कई सारे टेस्ट सीरीज वगैरह भी दोगे तो उसमें भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये कब होता है, जब एक्स यू जो है छोटा होता है एक्स यू लिमिटिंग से। क्या होता है, एक्स यू जो है छोटा होता है एक्स यू लिमिटिंग से, तब ये कंडीशन जो है आपको देखने को मिलता है। ओके, डबल रेनफोर्स बीम इफ एम यू ग्रेटर देन एम यू लिमिटिंग, अगर एम यू जो है ग्रेटर होता है एम यू लिमिटिंग से, देन आइदर सेक्शन डायमेंशन नीड टू मॉडिफाई और हायर ग्रेड ऑफ स्टील और कंक्रीट टू बी यूज करने की जरूरत पड़ती है। इफ सेक्शन इज डायमेंशन आर रीस्ट्रेन, जो सेक्शन का जो डायमेंशन है वो रीस्ट्रेन कर दिया जाता है, देन जो कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। बट डैट न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट स्टीफ डाउनवर्ड, लेकिन वो डाउनवर्ड स्टीफ नहीं कर शिफ्ट नहीं होता, मतलब है ना, मतलब मूव करके डाउनवर्ड नहीं जाता है, बाई प्रोवाइडिंग टेंशन स्टील रैदर दैन ए एस टी मिनिमम है ना, बाई प्रोवाइडिंग टेंशन स्टील ग्रेटर दैन ए एस टी मिनिमम या ए एस टी लिमिट आप कह सकते हो। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रीप, और दूसरा प्रिवेंट बीम इन रिवर्सल ऑफ मोमेंट। फोर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में अंडर बैलेंस सेक्शन और बैलेंस सेक्शन, अंडर बैलेंस सेक्शन में K इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस सिग्मा एस टी बाई एम एफ सी इज इक्वल टू एम एफ सी बाई सिग्मा एस टी प्लस एम एफ सी, और बैलेंस सेक्शन में के सी इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी बाई सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी सी इफ़ एम इज गिवेन, अगर एम जो है आपका दिया गया है तब। अनबैलेंस सेक्शन में आर इज इक्वल टू होता है 1/2 एफ सी इंटू के इंटू 1 माइनस k/3, और बैलेंस सेक्शन में आर सी इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू के सी इंटू 1 माइनस k/3, और आपका अनबैलेंस सेक्शन में एम इज इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस टी एफ एस टी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, या फिर आपका जो है ए एस टी इंटू एफ एस टी इंटू डी इंटू 1 माइनस k/3, और बैलेंस सेक्शन में एम सी इज इक्वल टू आर सी बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एन सी बाई थ्री, एंड दूसरा कि आपका ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी इंटू डी इंटू 1 माइनस k/3। पी इज इक्वल टू ए एस टी बाई बी डी इंटू 100 इज इक्वल टू 50 kfc बाई एफ एस टी, एंड पी सी इज इक्वल टू ए एस टी बाई बी डी इंटू 100 50 के ए सिग्मा
CBC बाई सिग्मा ST जो फ्लेंज्ड बीम है ना, फ्लेंज्ड बीम इन मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन स्लैब एंड बीम आर कास्ट टुगेदर इफ स्लैब इज इन केस ऑफ है ना, इफ स्लैब इन केस ऑफ कंप्रेशन जोन देन जो आपका इफेक्टिवली आपका जो है एडिंगशन होगा इन सिग्निफिकेंटली टू द एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन, जो इफेक्टिव फ्लेंज वेर्थ होता है टी एंड एल बीम का, मोनोलिथिकल एल बीम है तो BF इज इक्वल टू BW प्लस 3DF प्लस L नोट बाई 12, यहाँ पे BF जो है ग्रेटर देन BW प्लस L1 बाई 2 होगा, और मोनोलिथिकल टी बीम में आपका BF इज इक्वल टू BW प्लस 6DF प्लस L नोट बाई 6, और BF जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा आपका BW से, BW प्लस L1 प्लस L2 बाई 2 से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो है DF है, ये आपका VF है, ये VF है, ये BW है, L1 है, ये L2 है, ये वेव है आपका, ओके। और अगर आइसोलेटेड L बीम है तो BF इज इक्वल टू BW प्लस 0.5 L0 बाई B प्लस 4 लेस देन इक्वल टू B, और आइसोलेटेड टी बीम है तो BF इज इक्वल टू BW प्लस L0 बाई B प्लस 4 लेस देन इक्वल टू B। ये आपका आइसोलेटेड L बीम है, और ये आइसोलेटेड टी बीम आपका जो है यहाँ पे दिया गया है B और D, और यहाँ पे ये भी जो है आपका B दिया गया है। BF जो है इफेक्टिव फ्लेंज वेर्थ होता है, जो इन्वर्टेड बीम होता है ना, जो इन्वर्टेड बीम होता है आर डिज़ाइंड एज रेक्टेंगुलर बीम्स बिकॉज स्लैब इन टेंशन जोन डज नॉट टू रजिस्ट एनी कंप्रेशन, कोई भी कंप्रेशन को रजिस्ट नहीं करता है। दीज बीम्स आर रिकमेंडेड फॉर आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट ओनली, आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट ओनली जो है रिकमेंड किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो है कैलकुलेशन करते हैं इफेक्टिव स्पैन जो कि लेफ्ट में होता है, उसके बाद आपका जो है कैलकुलेशन ऑफ टोटल लोड W, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिज़ाइन कोएफिशिएंट Q, और यहाँ पे LSM में आपका जो है वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे WSM में वैल्यू दिया गया है Q इज इक्वल टू 1/2 CJK और WSM में, और LSM में Fe 250 के लिए 0.148 FCK, Fe 415 के लिए 0.138 FCK, और Fe 500 के लिए 0.133 FCK आपका होता है। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट m बाई क्यूब b, ASD इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है आपका WSM के अनुसार ASD इज इक्वल टू m बाई सिग्मा ST इंटू J इंटू D, और यहाँ पे ASD निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 0.5 FCK बाई F बाई है ना F बाई इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4.6 MU बाई FCK BD स्क्वायर का होल इंटू BD। यहाँ से आप τV इज इक्वल टू निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा V बाई BD लेस देन इक्वल टू τC आपका आ जाएगा। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो, अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगर कोई और डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो हमें ज़रूर बताएं, ओके, कमेंट करके। और चैनल पे जो वीडियोस है वो सारी आपके लिए फ्री है, बट जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प और मोटिवेशन मिलती है कि नहीं आप लोगों को बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।